मैंने रजिया सुल्तान की बात कर ली। अब रजिया सुल्तान के बाद गति पे बैठा बहराम शाह, बहराम शाह के बाद गति पे बैठा महसूद शाह, महसूद शाह के बाद गति पे बैठा नासिरुद्दीन महमूद, और नासिरुद्दीन महमूद के बाद गति पे बैठा बलबन। अपन नजर दौड़ाते हैं बलबन पर। आप देखिए बलबन के समय जो उत्तर भारत में परिस्थितियां बन रही है, दिल्ली में ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि इसके पहले के जो सुल्तान बने अयोध्या सुल्तान बने, जिनके कारण सुल्तान के पद की गरिमा क्या हो गई, घट गई। अब बलबन के कंधों पे ये जिम्मेदारी थी कि सुल्तान के पद की गरिमा को वापस बढ़ाना। तो आप इस चीज में झलक देख सकते हैं कि बलबन ने जो नीतियां अपनाई वो नीतियां ऐसी थी जिनके कारण सुल्तान के पद की खोई हुई गरिमा प्रतिष्ठा वापस सम्मान स्थापित हो सके। तो बलबन ने क्या करा, सबसे पहले रक्त और लोह की नीति अपनाई, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287 था। इन्हें रक्त और ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, रक्त और लोह की नीति। बलबन ने जो भी जरा सा लिप्त होता सुल्तान के खिलाफ साजिश में या जिसका भी काम देशद्रोह के खिलाफ देशद्रोह माना जाता उसकी बलबन हत्या करवा देता, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। दूसरी, बलबन ने क्या करा, जो तुर्कानी चहलगानी था 40 तुर्की सरदारों का दल, उसकी स्थापना अपने देखा था किले के में कि भी ने करी थी। तो इसने क्या करा, उस 40 तुर्कानी सरदारी दल को समाप्त कर दिया, क्योंकि जो 40 तुर्की सरदारों का जो दल था इसका जो काम था ये काम था कि सुल्तान की मदद करना सुल्तान, लेकिन एक तरीके से ये सुल्तान के कामों में इंटरफेयर करने लगा था। तो अगर ये 40 तुर्की सरदारों का दल सुल्तान के कामों में इंटरफेयर करेगा तो सुल्तान की जो प्रतिष्ठा कहने की कम होगी, उसके काम में अगर कोई हस्तक्षेप करेगा। तो बलबन ने क्या करा, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, बलबन ने तुर्कानी चहलगानी को ही समाप्त कर दिया कि न 40 तुर्की सरदार रहेंगे न वो मेरे काम में हस्तक्षेप करेंगे। दूसरा, बलबन ने सिजदा और पेबोस की प्रथा चालू करी। सिजदा और पेबोस क्यों, कि बलबन चाहता था कि सुल्तान की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आए, लोग सुल्तान के सामने रिस्पेक्ट करें सुल्तान की। तो उन्होंने क्या करा, सिजदा कि जितने भी लोग हैं दरबार या जो भी वो सुल्तान के सामने सिर झुकाएंगे, सिजदा। पेबोस, पेबोस मतलब सुल्तान के जो पैर हैं उनको वो चूमेंगे। तो जब लोग सुल्तान के सामने सिर झुकाएंगे, सुल्तान के पैर चूमेंगे, तो सुल्तान की प्रतिष्ठा तो उम्मीद थी कि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये प्रथा भी बलबन ने शुरू करी। बलबन ने फारसी त्यौहार ईरानी त्यौहार नवरोज को भी मनाने की शुरुआत की। नवरोज मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो नया साल, जैसे अपने हिंदुओं का नया साल होता है गुड़ी पड़वा, वैसे ही फारसियों का ईरानियों का जो नया साल होता था नवरोज। तो उस नवरोज त्यौहार को भारत बोलने क्या था बलबन, इसी ने भारत में शुरुआत करी थी। बाद में मुगलों ने भी इस त्यौहार को अपनाया था। बलबन ने कहा स्वयं को चिल्ले इलाही, बलबन ने बोला कि मैं चिल्ले इलाही हूँ। चिल्ले इलाही मतलब क्या, मतलब कि मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ, चिल्ले इलाही नियामत खुदाई बोला, चिल्ले इलाही बोला, चिल्ले इलाही कि मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ। अगर आप लोग मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, मतलब अगर जनता सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन करती है तो सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, वो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा। क्योंकि बलबन खुद को क्या कर रहा है, जिल्ले इलाही घोषित कर रहा है, मतलब कि मुझे ईश्वर ने अपॉइंट कराए आप लोगों के ऊपर शासन करने के लिए, तो आप लोग मेरी बात को मानिए, अगर आप लोग मेरी बात को नहीं मानते तो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होगा, ऐसा मानना था बलबन का। इसलिए बलबन ने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा। दूसरी बात, आप देखना जो बलबन है इसी के समय आप देखना इधर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोल बड़े परेशान कर रहे थे, आप देखना दिल्ली सल्तनत में बड़े परेशान थे, तब इसके समय भी काफी मंगोलों ने परेशान करा था। इधर से उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में मंगोल आक्रमणकारियां, ये मंगोल आक्रमणकारियों में हिंदू तमिश का लड़का था शाहजादा मोहम्मद, वो इस विद्रोह को दबाते हुए मारा गया। किसके समय, बलबन के समय। और बलबन में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इन्हें रक्त और लोह की नीतियां तो अपनाई थी बलबन ने, लेकिन आप देखना ये
ड्रेस कोड में भी रहता था, वेल ड्रेस कोड, कभी भी उसको इन्हें पूरे दरबार में ड्रेस कोड डिसाइड कर दिया कि सारे लोग ड्रेस कोड में आएंगे, कभी भी लोगों ने इसको बिना ड्रेस कोड में कभी भी बलबन को नहीं देखा। बलबन के बाद में मृत्यु हो गया होगी और आखिरी में जो शासक बना था गुलाम वंश का, तो वो था शमशुद्दीन तैमूर, और इस तरह गुलाम वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब अपन गुलाम वंश के बाद में अपन पढ़ेंगे खिलजी वंश। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं जीके के वीडियो मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश, तो आप हमारी वेबसाइट शर्मा अकेडमी की वेबसाइट www.sharmaacademy.com पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी और अन्य सारी जानकारियाँ आपको इस वेबसाइट के द्वारा मिल जाएगी, तो आप हमारी वेबसाइट से भी जाकर बाकी के सारे वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो बिल्कुल आप हमारे YouTube चैनल पर लाइक करिए, आपके द्वारा लाइक किए करने से YouTube चैनल को, हमारे YouTube शर्मा अकेडमी चैनल को जब आप लाइक करेंगे तो हम और प्रोत्साहित होंगे और आगे वीडियो बनाने के लिए। हमारी मुहिम है कि स्टूडेंट घर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके हमारे वीडियो के द्वारा, तो बिल्कुल आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे शर्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइक करिए, हमारी शर्मा अकेडमी वेबसाइट www.sharmaacademy.com पर विजिट करिए। धन्यवाद। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। धन्यवाद।